मैंगो, मैंगो इज नोन एज किंग ऑफ फ्रूट्स, एंड वी व्हेन वी टॉक अबाउट मैंगोज देन अल्फांसो इज द वैरायटी दैट कैन बी कॉल्ड एज किंग ऑफ वैरायटीज ऑफ मैंगोज। तो ये आप देख रहे हैं, ये अल्फांसो है, अल्फांसो वैरायटी, और ये कोंकण रीजन की रत्नागिरी अल्फांसो जो होते हैं ये ऑथेंटिक है। आप देखिए इसकी पैकिंग कैसे एरेशन में रखा गया ताकि डिस्टेंस के बाद भी इसकी फ्रेशनेस बनी रहे। तो आइए इसको अनपैक करते हैं। तो हम बात जब करते हैं अल्फांसो की, तो अल्फांसो को हाफिज़ भी कह देते हैं या रत्नागिरी मैंगोज़ भी कह देते हैं, और जो इसका नाम पड़ा वो बेसिकली पड़ा अल्फांसो डे अल्बुकर्की, जो कि एक पोर्चुगीज थे। वो उनको जब ट्रिप पे आते थे इंडिया की तब लाते थे। आप ये देखिए, शेप देखिए, ये टिपिकल शेप है अल्फांसो फ्रूट का, और साइज़ इसका बहुत ही पेक्यूलियर है। और स्टाक जो है आप देख रहे हैं कि इसको जब कट किया गया है फ्रूट को, एक डिस्टेंस रखा गया है ताकि वो उसमें नुकसान ना हो इसका ट्रांजिट के दौरान। तो ये रत्नागिरी अल्फांसो वैरायटीज जो मैंगो आप देखते हैं महाराष्ट्र की, ये मोस्ट ऑथेंटिक है, और वाकई में इट इज़ किंग ऑफ ऑल मैंगोज़। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ मैंगो है अल्फांसो। तो जो कॉन्फेक्शनर इंडस्ट्री है उसमें भी जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं, मे बी इट्स एन आइसक्रीम और मैंगो जूस, ये सब में ज़्यादातर जो है आमतौर पे अल्फांसो वैरायटी का ही यूज़ होता है। आप देखिए कितना अच्छा कलर है, यू कैन सी द कलर, दिस पर्पल टिंज ऑन द स्किन ऑफ द फ्रूट एंड पल्प इज नाउ, ऑल्दो इट मे टेक सम मोर डेज टू बी रेडी टू बी ईटन, बट स्टिल यू कैन सी द कलर ऑफ पल्प इज़ मच डिफरेंट देन डैट ऑफ अदर वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज़। और ये देखिए इसकी अगर आप साइज़ को भी गौर करें तो ये 7 to 8 cm इनकी लेंथ है, और काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। तो अल्फांसो की जो खासियत है वो टेस्ट में भी सबसे ज़्यादा है, एक टिपिकल पेकुलर स्मेल होती है अल्फांसो की, और देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं।